नमस्कार साथियों, मैं सुनी गौतम गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, सम्मान नागरिक संहिता। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, न्यूज़पेपरों या टीवी डिबेट आजकल दोस्तों काफ़ी चर्चा में है। तो आप ये समझ लीजिए फ्रेंड, एक्चुअली ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? इसका सामान्यतः मतलब दोस्तों ये है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना या एक जैसा लॉ होना, भले वो किसी जाति का हो या फिर किसी भी धर्म का हो। अब दोस्तों, जो उसका जिक्र किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो भारतीय संविधान के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 44 में दोस्तों इसका जिक्र किया गया है। लेकिन यह अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। ये बंद तो गया दोस्तों, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसिएबल है, गैर नियोजित, कोर्ट द्वारा उनको लागू नहीं कराया जा सकता जैसे मौलिक अधिकार को कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि यह पार्ट 4 के आर्टिकल 44 में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, और दोस्तों नॉर्मली है 5 चीज़ों से संबंधित है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहला आपका मैरिज, शादी, डाइवोर्स, तलाक, सक्सेशन, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, विरासत और अडॉप्शन। तो इन 5 चीज़ों से दोस्तों यह संबंधित है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप एक बात और ध्यान रखिए, पूरे देश में इस समय ये सिर्फ गोवा में ही लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाकी पूरे देश में अभी तक लागू नहीं है। गोवा में पुर्तगाल सिविल कोड 1867 लागू है। जो दोस्तों इसका उद्देश्य यूनिफॉर्म सिविल कोड के, वो है भेदभाव मिटाना लोगों के बीच से और औरतों के अधिकारों की रक्षा करना। आप ये समझिए फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि मुस्लिम औरतें हैं, वहाँ पर एक नियम है फ्रेंड्स, अगर किसी औरत को तलाक दे दिया जाता है तो उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। या फिर मुस्लिम महिलाओं में काफ़ी कुरीतियाँ भी प्रचलित हैं, जैसे कि हलाला, तीन तलाक दोस्तों अभी ख़त्म हो चुका है, उसके अलावा हलाला भी आज एक कुप्रथा चली हुई है। तो फ्रेंड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो ये सभी के लिए एक जैसा नियम बना देगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है, कई लोगों के मन में आशंका ये है कि ये आर्टिकल 25 को वायलेट करेगा। आर्टिकल 25 दोस्तों धार्मिक आज़ादी की बात करता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके एक तरह से इक्वलाइट की बात करता है। ठीक है दोस्तों, इक्वलिटी की बात करता है। तो क्या दोस्तों अगर ये लागू हुआ, क्या आर्टिकल 25 पे कोई फर्क पड़ेगा? तो इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों में तर्क है। जैसे दोस्तों के पक्ष की बात कर लेते हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों लागू होता है तो उससे क्या क्या होगा? देखिए, जैसे अब मुस्लिमों में 4 शादियाँ अलाउड है, हिंदुओं में 1 शादी अलाउड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लागू होने के बाद क्या होगा, एक रूल बन जाएगा दोनों के लिए। अब वो शादी की संख्या एक रखी जाए या 2, अगर एक ही रखी जाती है दोस्तों तो हिंदू भी एक शादी कर पाएंगे और मुस्लिम भी एक ही कर पाएंगे, क्योंकि हिंदू में भी एक शादी का ही चलन है। तो दोस्तों ये चीज़ सेम हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होगा, जैसे अब हिंदुओं में अगर आप तलाक देते हैं किसी को तो आपको उसका गुजारा भत्ता देना पड़ता है। इसके विपरीत फ्रेंड्स मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। जो मुस्लिमों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके अनुसार फ्रेंड्स तलाक दी गई औरत को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक काफ़ी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। इसके अलावा दोस्तों जो वहाँ पे कुप्रथा है हलाला, ठीक है, उसका भी बहुत बड़ा मिसयूज होता है। एक तरह से औरतों के स्वाभिमान के लिए वो एक बहुत बड़ी चोट है। तो दोस्तों इसके लागू होने के बाद हलाला जैसी प्रथा पर भी बैन लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कई चीज़ें हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद सेम हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके विपक्ष में जो तर्क है फ्रेंड्स वो ये है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है मुस्लिम, वो ये कहता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो उससे हमारे जो आर्टिकल 25 के तहत हमें आज़ादी मिली हुई है, जैसे 3 तलाक की थी पहले, या 4 शादियों की थी, या जो हलाल जैसी प्रथाओं की थी, तो कहते हैं ये हमारा पर्सनल मैटर है, जो संविधान है या जो कानून है उसको इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर आपको एक बात याद होगी, जो 1986 में साहबानो केस हुआ था उसमें दोस्तों ऐसे ही था। साहबानो एक मुस्लिम महिला थी, उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया, तो वो गई दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास कि मुझे गुजारा भत्ता दिया जाए जीने के लिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है ओके, उन्होंने उसके हस्बैंड को एक तरह से आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि आप इनको गुजारा भत्ता दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स उस टाइम क्या हुआ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके नियमों के अनुसार तलाकशुदा औरत को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। लेकिन उसी टाइम दोस्तों एक और चीज़ थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, इसके अकॉर्डिंग गुजारा भत्ता दिया जा सकता है।
तो कोर्ट ने कहा इसके तहत आपको गुजारा भत्ता देना चाहिए। तो उस समय जो राजीव गांधी की सरकार थी उन्होंने क्या किया, इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चेंज कर दिया और ये नियम बनाया गया कि मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा है, जिनका तलाक हो चुका है, उनको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ये समझ सकते हैं कि आप एक बार 3 तलाक बोल दीजिए और औरत को तलाक दे दीजिए तो वो किस प्रकार जिएगी, उसी गरीब को कितनी ठेस पहुँचेगी, किस प्रकार वो सर्वाइव करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था फ्रेंड्स, जो कोर्ट ने कई बार कहा है कि UCC लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उन्होंने बोला दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ कितनी जातियाँ हैं आज भी समाज में। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों ये लागू हुआ तो इसमें एक चीज़ होगी कि कोई किसी प्रकार शादी करे, ठीक है दोस्तों, कोई किसी प्रकार शादी करे उसको, उसे कानून को कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई 7 फेरे लेता है हिंदू दोस्तों या मुस्लिम निकाह करते हैं, लेकिन ये कब लागू होगा, जैसे कि शादी एक ही होगी वहाँ पर, ये सबके लिए अप्लीकेबल है। तलाक देने की जो प्रथा है वो सबके लिए एक जैसी होगी, ठीक है दोस्तों। जैसे मेंटेनेंस है तलाक के बाद जो गुजारा भत्ता दिया जाता है वो सबके लिए सेम होगा, या फिर दोस्तों जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है वो सबके लिए सेम होगा। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड यह है, इसकी अच्छाई भी है और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। अगर दोस्तों सरकार को ये लागू करना है तो सबसे सलाह मशवरा करके ही इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, बाकी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा फ्रेंड्स इसको लागू करना। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।